नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार सेन नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज इस त्योहारों की श्रृंखला में हम फिर एक बार हाजिर हैं और आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे मार्गशीर्ष पोष माघ और फाल्गुन में आने वाले त्योहारों के बारे में। तो आइए चलते हैं इसकी ओर। त्योहार, हम त्योहार पढ़ रहे हैं और त्योहार में आज सबसे पहले हम जानेंगे मार्गशीर्ष का जो महीना है जिसे मंगसर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बोलचाल में? मंगसर भी कहते हैं इसको बोलचाल की लैंग्वेज में। और बच्चों, यहां पर जो हिंदी महीने के साथ में जो इंग्लिश महीना जो जुड़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि काउंट करेंगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, मतलब ये नौवा महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का, ठीक है। तो अपन वहां से काउंट करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहां पर काउंट हो रहा महीना कौन सा? नवंबर। तो मार्गशीर्ष के महीने में जो महीना आता है वो है नवंबर और दिसंबर। मार्गशीर्ष का जो महीना है वो मिड नवंबर से लेकर के मिड दिसंबर तक चलता है, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि समय ऋतुओं की अगर बात करें तो शरद जो ऋतु है, सर्दी की जो ऋतु है वो भी चरम पर होती है, ठीक है। सर्दी की जो ऋतु है वो भी चरम सीमा पर होती है। इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो त्योहार का जो त्योहार जो हमारे मनाए जाते हैं, ये त्योहार इनका संबंध हमारे वातावरण से, हमारे परिवेश से भी है। जब तेज गर्मी होती है तो उस समय भी राजस्थान में त्योहार बहुत कम मनाए जाते हैं, अल्प मात्रा में मनाए जाते हैं। और जब तेज सर्दी होती है तो उस समय पर भी त्योहार अल्प मात्रा में मनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको बताओ कि इसमें कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई विशेष त्योहार नहीं है, कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई विशेष त्योहार नहीं है। अगर हम बात करें शुक्ल पक्ष की ओर, तो शुक्ल पक्ष में जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है, और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर माउंट आबू जो गुरु शिखर जो पर्वत है वहां पर है। आगे बात कर रहे हैं हम कि दत्तात्रेय जी कौन थे, तो सती अनुसुईया का जो आपने नाम सुना होगा, सतियों में शिरोमणि, वो सती अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय। एक बार ऐसे ही तीनों देवियों में महालक्ष्मी सरस्वती और महाकाली के अंदर नारद जी के द्वारा बताए गए प्रश्न चिन्ह के अनुसार विवाद हो गया कि आप हम तीनों में से बड़ा कौन है। ऐसी घटना से तीनों के अंदर विवाद हो गया तो नारद जी ने कहा कि देवी आप तीनों कौन है, आप तीनों में से बड़ा कौन है, इस बात का प्रश्न तो तीनों देवता ही कर पाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, उन तीनों देवियों में से बड़ा कौन है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कहा कि तीनों में से जो बड़े हैं वो तो सती अनुसुईया है। सती अनुसुईया का तीनों देवताओं ने कहा, लेकिन तीनों देवियों ने उस बात को नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता। देवियों के कहे अनुसार तीनों देवता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, और सती अनुसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे तो तीनों देवता जो थे वो बिल्कुल साधु के वेश में जाकर के वहां पर कहा कि देवी हमें भिक्षा दो, और भिक्षा हम तभी ग्रहण करेंगे जब आप बिल्कुल निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगी। देवी सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से उन तीनों देवताओं को 6-6 महीने का छोटा बच्चा बना दिया, और छोटा बच्चा बना करके अपने तपोबल से उनको, अब भिक्षा में छोटा बच्चा क्या चाहिए, दूध चाहिए, उनको अपने स्तनों से दूध पिलाया। तो तीन बच्चे, और तीनों बच्चों की वो मां के रूप में सती अनुसुईया, इतनी तेजस्वी थी सती अनुसुईया। आखिरकार जब तीनों देवियां ढूंढती हुई अपने पतियों को वहां पर पहुंची आश्रम में, तो उन्हें पता चला कि उनके बच्चे छोटे छोटे 6 महीने के रूप में बैठे हुए हैं। उन्होंने देवी अनुसुईया से माफी मांगी और कहा, देवी आपका सतीत्व ही हमसे सब में महान है, आप हमारे पतियों को छोड़ दो। तीनों देवियों की प्रार्थना पर सती अनुसुईया ने उनके पतियों को छोड़ा। तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि हमने आपके घर पे पुत्र के रूप में स्तनपान किया है, अतः हम तीनों का एक मिक्स स्वरूप, एक मिश्रित स्वरूप आपके गर्भ से जन्म लेगा।
ठीक है, और संसार में हम तीनों का एक स्वरूप जाना जाएगा। तो तीनों का जो एक स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो तीनों एक स्वरूप में विराजमान है भगवान दत्तात्रेय जी के रूप में, और सती अनुसुया के पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो दत्तात्रेय जयंती जो कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन इनका इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष के बाद दूसरा जो महीना है वो है पौष। अगर पौष माह की बात करें तो पौष माह में आपके दिसंबर और जनवरी अंग्रेजी महीने रहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष मैंने बताया कि सर्दी जो है इस समय पर चार्म सीमा पर होती है, और इसी चार्म सीमा के कारण जो मार्गशीर्ष और जो पौष के जो महीने हैं इनके अंदर त्योहारों की जो कड़ी है, त्योहारों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम बात करें कृष्ण पक्ष में तो यहां पर भी ऐसा कोई विशेष त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में चले तो शुक्ल पक्ष में यहां पर आपको पता है जनवरी का महीना आ चुका है। ठीक है, और जनवरी के महीने में यहां पर मनाई जाती है 13 जनवरी की, ध्यान रखना ये तिथि नहीं है दिनांक है, 13 जनवरी की जो है 13 जनवरी को मनाई जाती है लोहड़ी। लोहड़ी जो पर्व है वो 13 जनवरी को, और उसके बाद 14 जनवरी जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पर्व जो है ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखना ये तिथियां नहीं है, फिर कह रहा हूं ये दिनांक है, और ये दिनांक है 13 जनवरी और 14 जनवरी। अच्छा, मकर संक्रांति कोई त्योहार नहीं है, मकर संक्रांति एक दान पुण्य का दिन है, एक दान पुण्य का पर्व है। क्यों? क्योंकि संक्रांति क्या है, सबसे पहले आप ये समझो संक्रांति होती क्या है। तो संक्रांति का मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। पूरे 12 महीनों में 12 राशियां हैं, और सूर्य प्रत्येक एक महीने में एक राशि से को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और ये जो 12 राशियां हैं सूर्य हर माह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो फिर मकर संक्रांति क्यों फेमस है, मकर संक्रांति को एक त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस दिन दान पुण्य का क्यों कहते हैं? क्योंकि मकर राशि का जो स्वामित्व है, मकर राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव है, और शनिदेव जो है वो सूर्य देव के पुत्र है। तो पिता अपने पुत्र के घर पे जब जाता है तो उस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो पिता अपने घर को घर से पुत्र के घर में प्रवेश करता है, इससे पहले धनु राशि में सूर्य होता है, धनु राशि सूर्य के गुरु है। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति की राशि कही जाती है, उसे हम मल मास कहते हैं। तो मल मास जब पता है कि राजा, सूर्य को राजा की उपाधि दी गई ज्योतिष में, कि जब गुरु के समक्ष राजा जाता है तो गर्दन झुका के बैठता है, गुरु का स्थान सर्वोच्च ऊपर होता है, इसलिए उस समय पे कोई शुभ काम नहीं वर्जित होते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार। तो ध्यान होगा कि मकर संक्रांति पर मल मास खत्म होता है, धनु मल मास जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय सूर्य किसके पास होता है, गुरु के सामने नतमस्तक होता है, लेकिन जब गुरु से गुरु के घर से अपने पुत्र के घर पे जाता है तो पिता अपने पुत्र के घर पे राजा की तरह काम करता है, अपने पिता जो पितृत्व है उसके रूप में काम करता है। तो यहां पर पिता और पुत्र का मिलन है, इसलिए उस दिन को शुभ घड़ी के रूप में माना जाता है, और ये मकर संक्रांति का दिन इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं कि तिल तड़के और दिन भड़के, मकर संक्रांति के दिन से, मकर संक्रांति के दिन तिलों का महत्व है। ठीक है, तिल तड़काए जाते हैं, और ऐसे कहते हैं कि उस दिन से धीरे धीरे एक तिल के समान तिल तिल करके और धीरे धीरे दिन के बढ़ने की संख्या बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, कांजी कुल में आया रात बड़ी दिन छोटा लाया, एक कहावत कही जाती है कि कृष्ण जी, जब कृष्ण जी का जन्म होता है उस कृष्ण जी के जन्मोत्सव से रात तो बड़ी होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के जो पर्व है इससे रातें छोटी और धीरे धीरे दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं कि तिल तड़के और दिन भड़के, गर्मी का भी धीरे धीरे प्रवेश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि सर्दी धीरे धीरे खत्म की ओर होती है और गर्मी धीरे धीरे
बनने की होती। तो ये था 14 तारीख 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरे महीने की ओर। पोष के बाद माघ महीना। अगर माघ महीने की बात करें, माघ माह की बात करें, तो ये जो माघ माह है ये वर्ष में चार पुण्यकारी महीने कहे जाते हैं, चार बड़े महीने कहे जाते हैं, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और माघ। देखिए वैशाख, श्रावण, कार्तिक और माघ, पूरे 12 माह के अंदर इन चार बड़े महीने कहे जाते हैं। इन चार माह को विशेष महत्व है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, और इन चार महीनों में से एक कौन सा माह है? माघ, जिसे कहते हैं कि पूरे महीने पर स्नान करते हैं, स्नान करके सुबह 4 बजे उठ के दान पुण्य कमाया जाता है। ठीक है, तो वो चार माह जिनमें स्नान किए जाते हैं वो है वैशाख, श्रावण, कार्तिक और माघ माह। ठीक है, तो चलते हैं आगे माघ माह की ओर। सबसे पहले वही बात करते हैं कि माघ माह में कौन सा अंग्रेजी महीना जुड़ा हुआ है। तो माघ के अंदर जनवरी और फरवरी जो है ये आपके जुड़े हुए है। माघ की अगर बात करें तो एक ऐसा समय जब सर्दी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म की ओर हो रही है और गर्मी का परचम धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं कृष्ण पक्ष की ओर। कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष में भी विशेष त्योहार नहीं है अभी, केवल अमावस्या की अगर हम बात करें तो अमावस्या जो तिथि है उससे पहले एकादशी आई। एकादशी जो तिथि है इस एकादशी को बोलते हैं षटतिला एकादशी, षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी की अगर हम बात करें तो देखो ये भी एकादशी है, हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। ये षटतिला एकादशी सिर्फ इतनी सी ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें तिल का 6 प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, खाने में, नहाने में, दान में। ठीक है, तो 6 प्रकार से तिल का यूज किया जाता है, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस दिन को षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें दूसरा पर्व, अगर इसमें देखें कृष्ण पक्ष में तो एकादशी के बाद जो दूसरा जो पर्व है वो है अमावस्या तिथि, और अमावस्या जो है ये अमावस्या है मौनी अमावस्या के रूप में। मौनी अमावस्या जो है मनाई जाती है माघ कृष्ण पक्ष 15वीं तिथि को, और आपको पता है कि अपने आप में चुप रहना के बड़ा महत्व है। एक बच्चा जन्म लेने से लेकर के बुढ़ापे मरने तक पुकारता रहता है, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। ठीक है, जबकि मस्तिष्क ये कहता है कि जितना शांत रहोगे, जितना कम बोलोगे, उतना इस मस्तिष्क की जो प्रोसेस है उतनी अच्छी होगी। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो बहुत कम बोलते थे, सोच समझ करके बोलते थे, लेकिन आज अगर हम इस बात को देखें तो हर व्यक्ति वजह बेवजह बस बोलता रहता है और अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। तो ये अमावस्या कहती है कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मुनि है और जन साधारण है वो भी प्रयास करते हैं कि चुप रह करके अपना जो ये शरीर है इसको संतुलित किया जाए, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा जाए। तो मौनी अमावस्या का संबंध मौन यानी होता है चुप रहना, चुप रह करके अंतरात्मा से उस ईश्वर को याद करना। चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। तो शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आपको पता है कि इस समय पे जो ऋतु है वो ऋतु बदल गई है। मैंने कहा था कि सर्दी की ऋतु खत्म हो रही है धीरे धीरे, गर्मी की ऋतु बढ़ रही है, लेकिन गर्मी की ऋतु से पहले जो ऋतु बीच में आती है सर्दी और गर्मी के बीच में, उसे कहते हैं ऋतु राज बसंत। सभी ऋतुओं का राजा अगर कहा गया है तो वो बसंत को कहा गया है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले होते हैं। जैसे सावन का महीना है उसके अंदर हरियाली होती है, लेकिन बसंत के महीने में चारों तरफ जैसे प्रकृति श्रृंगार करके बैठी हो। ठीक है, तो ये इसको जो श्रृंगार रस के कवि है उन्होंने बड़ा महत्व दिया है बसंत ऋतु राज के रूप में। सेनापति जो नाम के हिंदी में कवि हुए उन्होंने इसको बसंत को ऋतु राज कहा है। तो बात कर रहे हैं कि शुक्ल पक्ष में सबसे पहले पंचमी जो तिथि है, इस पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। और ये तो आप जानते हो कि बसंत पंचमी जो पर्व है
ये समर्पित है माता शारदे को, मां सरस्वती को। मां शारदे का आविर्भाव जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। मां सरस्वती का इस दिन आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ, इसलिए बसंत पंचमी को मनाया जाता है। शिक्षकों की और विद्यार्थियों की जो आराध्य देवी है, जो पूजनीय देवी है, वो मां सरस्वती है। मैं मां शारदे से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थियों को, मेरे सभी शिक्षकों को और हम पर और मुझ पर दया बनाए रखे, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे और ज्ञान की कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो बसंत पंचमी मां शारदे को समर्पित, शुक्ल पक्ष माघ महीना, जनवरी और फरवरी इंग्लिश मंथ, और पंचमी तिथि बसंत पंचमी। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आगे आती है सप्तमी। सप्तमी तिथि की अगर बात करूं तो सप्तमी तिथि है सूर्य सप्तमी। सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, भानु सप्तमी भी कहते हैं, अचला सप्तमी भी कहते हैं, अचला सप्तमी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है उनकी आराधना का पर्व है, उनकी आराधना का दिन है, इसलिए इसको सूर्य सप्तमी, भानु सप्तमी और अचला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो इसी दिन आपके एक लोक देवता हैं देवनारायण जी। सूर्य सप्तमी के दिन ही भगवान देवनारायण जी जो है, जो कि गुर्जर जाति के देवता है, देवनारायण जी जो कि गुर्जर जाति के लोक देवता है, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, उन देवनारायण भगवान की जो जयंती है वो इस दिन मनाई जाती है। देवनारायण भगवान जो है उनका जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है, सॉरी उनकी जयंती मनाई जाती है देवनारायण भगवान की, और ये गुर्जर जाति के लोक देवता। जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तब इनको विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात आगे करते हैं। नेक्स्ट मंथ जो है माघ के बाद में लास्ट में आ रहा है अंतिम महीना फाल्गुन। फाल्गुन, फाल्गुन एक ऐसा महीना है जिस समय पर स्वेटर, गर्म कपड़े लगभग उतरने के कगार पे होते हैं और हल्के वस्त्रों की ओर हम प्रवेश कर जाते हैं, मतलब गर्मी की ऋतु है, उसका आगमन हो जाता है। ठीक है, मार्च में बच्चों के एग्जाम भी होते हैं उस समय पर। ठीक है, और फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीन महीने जो ऐसे हैं जो बिल्कुल न गर्मी होती है न सर्दी होती है। अब बात कर रहे हैं फाल्गुन के महीने की, तो फाल्गुन के महीने के अंदर ये कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष, तो यहां पर भी कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई विशेष त्योहार नहीं है फाल्गुन के महीने के अंदर। ठीक है, केवल दो त्योहार है। एक तो ध्यान रखें सप्तमी जो है उसको श्रीनाथ जी का पाटोत्सव मनाया जाता है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथ द्वारा में है। ठीक है, और श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में क्या मनाया जाता है? पाटोत्सव। पाटोत्सव क्या होता है? जिस दिन भगवान की मूर्ति की स्थापना होते, जिस दिन भगवान को स्थापित किया जाता है किसी मंदिर में, किसी जगह पर, तो उस दिन को हम पाटोत्सव के रूप में मनाते हैं। और श्रीनाथ जी जो भगवान है उनकी फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन स्थापना दिवस के रूप में पाटोत्सव मनाया जाता है। इस कृष्ण पक्ष में एक त्योहार है, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शिवरात्रि। और शिवरात्रि जो है ये मनाई जाती है त्रयोदशी तिथि को। त्रयोदशी जो तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि।
ये जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और ये पर्व समर्पित है भगवान शिव को। नाम से प्रकट हो रहा है कि शिवरात्रि है, मतलब भगवान भोलेनाथ का। बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे चार महीने बड़े थे उसी प्रकार से चार रात्रियां भी बड़ी होती है, ठीक है। और चार रात्रियां जो बड़ी है, इन चार रात्रियों की अगर हम बात करें तो चार रात्रियों में से पहली जो रात्रि बड़ी है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। पहली जो रात्रि बड़ी है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। शायद दिख नहीं रहा आपको, कृष्ण जन्माष्टमी पहली जो रात्रि बड़ी है, चार रात्रि बड़ी होगी बात कर रहा हूं, पहली बड़ी है कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरी रात्रि जो बड़ी है वो है दिवाली, तीसरी जो रात्रि बड़ी है वो है होली, और चौथी जो रात्रि बड़ी है वो है महाशिवरात्रि। इन चार रात्रियों का विशेष महत्व है और चार रात्रियों में सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरी दिवाली, तीसरी होली और चौथी महाशिवरात्रि है। चार महीने बताए थे, यहां पर ये चार रात्रियां हैं। इनकी पूजा का जो महत्व है वो रात्रि को ज्यादा है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात को होती है, अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ। दिवाली की पूजा रात्रि को होती है, होली की पूजा भी, जो होली का जो दहन है वो भी संध्या काल में सूर्यास्त के समय होता है, गोधूली बेला में या सूर्यास्त के बाद कहेंगे इसको, तो ये भी रात्रि प्रहर है। और महाशिवरात्रि की जो मुख्य पूजा होती है वो भी रात्रि काल में होती है। चार प्रहर की जो पूजा होती है उनमें रात्रि के प्रहर को मुख्यतः प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये भी फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आती है दोज, और दोज जो है वो फूलरा दोज, फूलरा दोज एक शादी विवाह का एक मुहूर्त के रूप में जाना जाते हैं। ये भी एक अबूज मुहूर्त जैसे होता है, उस तरह से अबूज मुहूर्त के रूप में जाना जाता है फूलरा दोज को, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है एकादशी तिथि, और ये एकादशी तिथि क्यों फेमस है, ये फेमस है रंग भरी ग्यारस के रूप में, और रंग भरी ग्यारस का संबंध है खाटू श्याम जी। जब आप मेले पढ़ोगे तो मेलों के अंदर ये चीज आएगी, रंग भरी ग्यारस, ग्यारस की जो तिथि है वो खाटू श्याम जी के अंदर मेरा लगता है, ठीक है। और यहां पर मैं मेलों के अंदर आपको इसके बारे में और डिस्क्रिप्टिव रूप से विस्तृत बात करेंगे। रंग भरी ग्यारस फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी खाटू श्याम जी में लक्खी मेला जो आयोजित होता है वो इस दिन आयोजित होता है, ठीक है। तो हमने बात की फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की, और आगे अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो ये है पंद्रहवीं तिथि और ये है होली का दहन। होली का दहन कब होता है, तो होली का दहन की आई थिंक पढ़ लिखना पड़ेगा, देखिए शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा पंद्रहवीं जो तिथि है उस पंद्रहवीं तिथि को होली का दहन, होली का दहन किया जाता है। होलिका को जलाने से पहले महिलाएं होलिका की पूजा करती है, ठीक है, और तमाम बुराइयों को अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना करती है। होलिका जो है ये बुराई का प्रतीक है और भक्त प्रहलाद जो है वो अच्छाई का प्रतीक है,
कि अगर आपके कर्म अगर बुरे हैं तो आपके जो वरदान है वो भी अभिशाप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सदैव अच्छाई की ओर अग्रसर बढ़े। ये हमें होलिका सिखाती है और भाईचारे का त्योहार है, आपस में हिल मिल करके रहने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलकर के इस त्योहार में बधाई दी जाती है। अब तो कोरोना काल चल रहा है तो गले मिलने से वैसे ही परहेज करें, लेकिन होली का जो पर्व है, इस होली का पर्व में एक दूसरे को गले मिलकर के बधाई देने का रीति रिवाज है। तो ये हमने पढ़े फाल्गुन चैत्र माह से लेकर के फाल्गुन माह के जो हर महीने के हिसाब से, हर महीने के कौन से पक्ष में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पूरा एक सारणी के रूप में हमने पूरे त्योहारों को पढ़ा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, पूरे 12 महीने, और पूरे 12 महीनों के दोनों पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों का हमने अध्ययन किया। अब बच्चों ये तो हमने त्योहार पढ़े, अब त्योहार के बाद एक छोटी सी जानकारी आपको मैं और दे दूं, जिसे कहते हैं अधिक मास। अधिक मास या फिर इसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या कहते हैं इसमें पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास या फिर कहते हैं इसको मल मास। ये मल मास, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास क्या है? देखो चंद्रमास जो होता है, चंद्रमास जो होता है वो 29 डेज का होता है, 29 दिन का होता है, ठीक है। अब चंद्रमास जो है 29 दिन का, 29.5 दिन का कहा गया है, चंद्रमास जो होता है वो 29.5 दिन का होता है, और चंद्रमास 29.5 दिन का होने के कारण हमारा जो चंद्र महीना जो है ये होता है 354 दिन का, 354 दिन का चंद्रवर्ष होता है, और चंद्रवर्ष 354 दिन का है, चंद्रमास 29.5 दिन का है। इस कारण हर 3 महीने में, जबकि आपको पता है कि सौरमास जो इंग्लिश महीने जो काउंट करते हैं उस इंग्लिश महीनों में 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 सौरमास जो होता है, सौरमास जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी महीनों में काउंट करते हैं, ये सौरमास होता है 365 सही 1/4 दिन का। अब तो इसका मतलब क्या हमारी जो ये भारतीय जो रीति रिवाज ये क्या साइंटिफिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक है। 354 दिन का पूरा एक वर्ष हो रहा है, 29.5 दिन का एक चंद्रमास हो रहा है, यहां पर 365 सही 1/4 दिन का सौरमास हो रहा है, हम अंग्रेजी महीने काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एक साल हो रहे 365 से 1/4 दिन। तो अब कंडीशन ये आती है कि जैसे आपको पता है कि एक लीप ईयर आता है, अंग्रेजी महीनों में एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी का जो महीना है वो 29 का कर देते हैं, आपको पता है, सारे महीने इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, इसी चीज को प्रॉपर बनाने के लिए ही अंग्रेजी महीने में एक महीना 30 का किया, एक महीना 31 का किया, और बीच में 2 महीने 31 लगातार भी किए, तो उधर फरवरी का जो महीना है उसमें 2 दिन कम भी कर दिए, ना वो 29 ना वो 30 का ना वो 31 का है, और फिर हर 4 साल में उसको 29 का भी कर दिया। तो इसी तरह से हिंदी माह के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं कि यहाँ पर जो ये 29.5 दिन का जो चंद्रमास होता है, 354 दिन का जो पूरा ईयर होता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन 365 से 1/4 करने के लिए हर 3 वर्ष में एक अधिक मास तैयार हो जाता है, हर 3 साल में एक अधिक मास तैयार हो जाता है। और ये अधिक मास जो है, ये जो बचे हुए दिन थे 354 में से, ये जो बचे हुए दिन थे, इन दिनों को पूरा करने के लिए ही लगाया जाता है। तो अधिक मास जो है, इसके 3 नाम है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास। इस महीने के अंदर भी दान पुण्य का, स्नान का विशेष महत्व है, ऐसे कहते हैं कि ये महीना भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, अधिक मास जो होता है, ठीक है। तो हमने त्योहारों को पढ़ा, हिंदू त्योहारों को पढ़ा, ठीक है। अब अगली कड़ी में हम जो और समुदाय, जो समाज के त्योहार है, मुस्लिम त्योहार भी है, ईसाई त्योहार भी है, जैन त्योहार भी है, सिख त्योहार भी है, जो और समाज के जो त्योहार बाकी है उनको लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार सेन
आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और विदा लेता हूं आज की इस कड़ी से। जय हिंद, जय भारत।